आपको एक उपाय बता देते हैं, जिनका दुर्भाग्य बहुत है, काम सफल नहीं हो रहे, कार्यों में बाधा बन रही, लगातार मेहनत करते सिद्धि तक पहुंचने पर कार्य सफल होने तक आपको रुकावट बन जाती, वो सुन लो। पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन लें, गंगाजल से उसे धोएं, केसर और चंदन से उस पर राम लिखें, केसर और चंदन से राम लिखें, 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में उस पत्ता को रखें और प्रतिदिन 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें, एक ही मंदिर पर रखें, एक ही बालाजी के पास रखें। 11वें दिन पत्ता को लेकर 11वें दिन का जो पत्ता होगा उसमें फिर वही गंगा जल से धोएं, प्रत्येक दिन का पत्ता मंदिर में चढ़ाते रहना है। 11वें दिन आपको पत्ता को लेना, उस पर राम लिखना, सीताराम लिखना या राम लिखना या ओम श्री सीतारामाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को लिखना केसर चंदन से। इसके बाद उस पत्ता को मंदिर ले जाकर 11 पाठ पुनः हनुमान चालीसा के करना और उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर 3 बिंदी उस पत्ते में लगाकर और 11 परिक्रमा करके उस पत्ता को, 11वें दिन के पत्ता को, जो 11वें दिन का पत्ता होगा उस पत्ता को अपने पर्स में रख लेना, कभी भी विफल नहीं होगे, असफल नहीं होगे। हाँ, लेकिन वशीकरण या किसी के ऊपर तंत्र या पर किसी के विनाश के लिए वो काम नहीं करेगा, बाकी प्रत्येक कार्य पर वह आपका सौभाग्य बदलेगा। यह उपाय उनके लिए है जिनको अपना दुर्भाग्य नजर आता है, वो सौभाग्य में अगर बदलना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। जिनकी अर्जी नहीं लग पा रही, घर में बीमारी है, रोग है, संकट है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, दवाइयां अनवरत चल रही हैं, बहुत औषधि करवा ली, बहुत दवाई करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखवा लिया, शरीर में पीड़ा है, वो सुन लो। पर्चा बने या ना बने, हमारा झाड़ा लगे या ना लगे, सुनो ध्यान से। धाम पर पहुंच जाओ तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहे तो आप अपने घर पर तब तक एक लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध के पूजा मंदिर में रख लें, लेकिन बहुत जल्दी धाम पर जाना जरूरी होगा उसे बांधने के। इसके बाद प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दें और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई को नोट कर लें। चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।